हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप अपने जिला के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। तो दोस्तों, अलीगढ़ जिला, यह जिला भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक अलीगढ़ जिला के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ जिला उत्तर प्रदेश के उत्तर से पूर्व भाग की ओर का जिला कहलाता है, जिसके वजह से इस जिले की सीमा हरियाणा राज्य से मिलती है। इस जिले का हेड क्वार्टर अलीगढ़ शहर में मौजूद है और अलीगढ़ जिला अलीगढ़ डिवीजन के अंतर्गत आता है। 18वीं शताब्दी में अलीगढ़ जिले को कोल या कोयल जिला के नाम से जाना जाता था। अलीगढ़ जिला के पड़ोसी जिले का नाम बुलंदशहर जिला, मथुरा जिला, गौतम बुद्ध नगर जिला और इटावा जिला इत्यादि जिला है। अलीगढ़ जिला में एक नगर पालिका परिषद, 5 सरकारी अस्पताल, एक एनजीओ ऑफिस, 5 सरकारी बैंक, एक इलेक्ट्रिसिटी, 27 पुलिस स्टेशन, 5 यूनिवर्सिटी और 1210 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो अलीगढ़ जिले का कुल क्षेत्रफल 3650 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इस जिला में रहने वाले आबादी की बात करें तो इस जिला में रहने वाले लोगों की कुल संख्या साल 2011 के जनगणना के अनुसार 36,73,889 है। और बात करें इसमें पुरुष की तो कुल पुरुषों की संख्या 19,51,996 है, और महिला की कुल संख्या 17,31,893 है। अलीगढ़ जिले का औसत लिंगानुपात 876 के करीब है, यानी कि अलीगढ़ जिला में 1,000 पुरुष पर 876 महिला है। इस जिले के मुख्य नदी का नाम गंगा नदी है। गंगा नदी के किनारे पर बसा यह जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 438 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। शिक्षा की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के लोग अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इस जिले की साक्षरता दर 77% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 77% लोग पढ़े लिखे हैं। इस जिले में कुल 5 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ का मुख्य यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। व्यवसाय की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े व्यवसाय हैं, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया प्रदान होता है। वैसे इस जिले का मुख्य व्यवसाय खेती भी है। यह जिला काफी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। गंगा नदी उबर नदी के किनारे पर बसा यह जिला काफी हद तक उपजाऊ है। इस जिले के मुख्य फसलों का नाम धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि है। वैसे इस जिला में कई ऐसे कारखाने हैं, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया प्रदान होता है। सड़क रास्ते की बात करें तो उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला सड़क के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 91 और नेशनल हाईवे संख्या 93 गुजरती है, जो आगे चलकर देश के बड़े बड़े शहरों के साथ अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। यह जिला बस के माध्यम से भी पड़ोसी जिला और जिला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराता है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो अलीगढ़ जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम अलीगढ़ जंक्शन है, और अलीगढ़ जंक्शन का कोड ALJN है, और अलीगढ़ रेलवे जंक्शन कानपुर दिल्ली लाइन, अलीगढ़ बरेली लाइन पर स्थित है, और इस रेलवे जंक्शन पर 7 प्लेटफॉर्म और 7 पटरिया शामिल है। और जानकारी के लिए बता दें कि अलीगढ़ रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन के इलाहाबाद डिवीजन के अंतर्गत आता है।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।